चिराग शर्मा व्लॉग साथ सेवा करते हुए कभी हमको भी कुछ खिला दीजिए भाई, हम भी तो भगत है माता के। और मुझे ना आज एक काम करना है यार, मतलब जो मेरे पुराने जो कपड़े छोटे हो रखे हैं या फिर जो मैं नहीं पहनता वो मैं सोच रहा हूँ किसी को दे दूँ, किसी के काम आ जाएंगे वो घर पे पड़े पड़े, कोई दो तो होंगे नहीं, दुगने तो होंगे नहीं, इससे बढ़िया है कि किसी को दे दूँ जो पुराने जूते पड़े हैं या फिर जो भी है जो मैं नहीं पहनता वो, तो वो सोच रहा हूँ किसी को दे आता हूँ आज। मैं क्या बोलूँ? ABCD ABCD भी नहीं आती और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप भाई सब बढ़िया होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है भाई काम के साथ ही, वैसे काम से पहले होती है, आज काम के साथ हो रही है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं भाई, आज के दिन की शुरुआत करते हैं भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। ऐसे ब्लॉग में बने रहो, ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है, ट्रैफिक है सुबह सुबह। गाइस, काम पूरा हो चुका है भाई और अब मैं घर की तरफ निकल चुका हूँ। सुबह सुबह साइकिलिंग करने में मज़ा ही बहुत आ रहा है। साइकिलिंग करते करते काम डन कर दिया है। और भाई शहर में सुबह सुबह इतना ट्रैफिक है ना, कुछ बोल रहा हूँ ना वो भी पै पै चै चै ऐसे लगे ही हुए लोग। तो ठीक है भाई, घर पे पहुँच के मिलूँगा मैं तुमसे, ऐसे ब्लॉग पे बने रहो। अब घर पे जाके नहाऊंगा धोऊंगा फिर मंदिर चलेंगे, ठीक है। सो गाइस, लगभग 8:15 हो चुके भाई, मैं यहाँ से 7 बजे गया था, 1 घंटे में वापस आ गया। तो बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं भाई, और भाई नहा लेता हूँ जल्दी से, और अभी फिर 9 बजे फिर से एक और काम पे जाना है, मेरे पास आधा ही घंटा है जिसमें मेरे को नहाना भी और मंदिर भी जाना है। तो ठीक है, पहले नहा लेता हूँ फिर मंदिर चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी भाई दिन की शुरुआत, वरना दिक्कत हो जाएगी आज। A few moments later. सो गाइस, भाई मैं मंदिर जाके आ चुका हूँ, बस अभी निकलने की तैयारी है, तो जल्दी से जल्दी निकल जाता हूँ, खाना वगैरह अभी खाऊँगा, पहले काम करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। गाइस, भाई मैं रेडी हो चुका हूँ फाइनली, और भाई 3 बज चुके हैं, 3:30 हो रखे हैं, 3:30 के करीब हो चुका है। बस अभी रेडी हुआ हूँ और निकलने की तैयारी है। आज का कुछ ऐसा लुक है, आज सैटरडे है तो ब्लैक पहनना पसंद किया मैंने, ब्लैक पहन लिया, और बस अभी चाय बनी हुई है, चाय पी के और निकल जाऊँगा। मैंने 40 मिनट नींद ली है, पूरे 40 मिनट। सिर्फ दिमाग ख़राब हो जाता है यार, मतलब उठते ही दिमाग ख़राब, ऐसा होता है ना, मतलब दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, और एकदम से ब्रेक लगता है और फिर एकदम से फिर वो वर्क करने लग जाता है ना, फिर एकदम से फिर सिर दुखने लग जाता है, तुम नहीं समझ पाओगे मेरे दिमाग को। ठीक है भाई, तो चलते हैं,
ऐसा कुछ गेटअप है और अभी निकलने की तैयारी है, चाय पी लेता हूँ जल्दी से जल्दी फिर निकलूंगा। ठीक है, आप ऐसे ही व्लॉग में बने रहो, बाहर का माहौल देखते हैं बाहर कैसा है, क्या धूप है, क्या क्या छांव है, क्या सिस्टम है, बाहर भी नहीं निकला हूँ अभी तक। ठीक है, ऐसे ही व्लॉग में बने रहो। सो गाइस, निकलने का टाइम हो चुका है भाई, लगभग 3:30 ही हो गए हैं पूरे, तो बस अभी निकल रहा हूँ मैं, तो जादू करते हैं, जादू हाथों का कमाल करते हैं। बाहर देख रहे धूप, मौसम तो ऐसा हो रहा है, बाकी हवा तो चल रही है यार हल्की हल्की। चलो भाई अपने को क्या करना है, हवा से निकलते हैं टाइम से, तो टाइम से निकल जाते हैं तो टाइम से पहुंच जाएंगे, वरना तो भाई ऐसा लठ लगे। ठीक है भाई चलते हैं, यार देखो कितनी धूप हो रही है। सो गाइस, अभी फ्री हुआ हूँ भाई मैं वहां से, लगभग टाइम हो गया 5:30 के करीब, और बस अभी घर पहुंचते हैं, फिर मिलूंगा मैं आपको। अभी ट्रैफिक में ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाता मैं ज़्यादातर, क्योंकि एक तो ट्रैफिक में आवाज़ ज़्यादा रहती है, और कुछ मेरी आवाज़ तुम्हें सुनती नहीं, और कुछ मेरा मन भी नहीं करता ट्रैफिक में। सो गाइस, मैं घर पे तो आ गया हूँ भाई, लगभग 6 बज चुके हैं, और मुझे ना आज एक काम करना है यार, मतलब जो मेरे पुराने जो कपड़े छोटे हो रखे हैं या फिर जो मैं नहीं पहनता, वो मैं सोच रहा हूँ किसी को दे दूँ, किसी के काम आ जाएंगे वो, घर पे पड़े पड़े कोई दो तो होंगे नहीं, दुगने तो होंगे नहीं, इससे बढ़िया है कि किसी को दे दूँ जो पुराने जूते पड़े हैं या फिर जो भी है जो मैं नहीं पहनता अब, तो वो सोच रहा हूँ किसी को दे आता हूँ आज। तो सोनू का वेट कर रहा था, वो अभी आया तो है, बाहर गया हुआ था जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, पर वो अभी आया घर पर, तो कह रहा है भाई मैं शाम को चलेंगे यार, मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ, क्या पता कोई और दिख जाए तो उसके साथ चला जाऊँगा, देखते हैं क्या पता वो ही आ जाए, उसका ही फ़ोन आ जाए। और बाकी मौसम भी तगड़ा हो चुका है यार, बाहर हवा चल पड़ी है, मिट्टी मिट्टी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, ठीक है मुश्किल से हवा चली है अभी भी। सो ठीक है भाई, वेट करने के अलावा अपने पास और कोई चारा भी नहीं है, सोनू का ही वेट करते हैं, क्या पता वो कितनी देर में फ्री होगा, अभी आया है, फ्रेश होगा, खाना वाना खाएगा, क्या करेगा पता नहीं, क्या तो रहा है बाकी देखते हैं। मैं सोच रहा था चेंज कर लूँ, बट मैं सोच रहा हूँ फिर पहले वो काम ही कराता हूँ, फिर ही चेंज कर लेंगे, तो इससे बढ़िया है कि पहले काम कर लेते हैं फिर चेंज कर लेंगे। मैं क्या बोलूं? ABCD ABCD भी नहीं आती तुझे? तू तो दूसरी दे है। This is business. मेरे को तो नहीं, मैं तो इधर ही रहूंगी। वो देखी तूने? वीडियो देख ली? आपने करी तो कल नहीं, जो कल वो तो कल बनी थी, एडिट करने के बाद और भी बढ़िया होगी ना वो। ये कहाँ रहती है? अपने यहीं पास में। अच्छा यहीं पे पास में, मुझे लगा यहाँ पे कहीं। जो हमारा घर है ना, उसे पीछे एक प्लाट है, उसे साइड में यहाँ पे रहती है। प्लाट में तो प्लॉट होता है। नहीं हम तो प्लाट कहेंगे। अभी तो इंग्लिश में बात कर रही थी, अब तो प्लाट प्लाट कर रही है। नहीं हमारी तो देसी। आपका क्या नाम है? रितिका। रितिका रिया। रितिका नाम है, वैसे रिया है, ठीक है भाई। और आपका चेरी है, और वैसे क्या है? लावण्या। लावा लावा लावू। और क्या ही बताऊं मैं, स्कूल में चले गए थे। चिराग शर्मा व्लॉग साथ सेवा करते हुए, कभी हमको भी कुछ खिला दीजिए भाई, हम भी तो भगत है माता के, भूखा हूँ मैं आज कसम से भाई, चंडीगढ़ तो भूखा आया हूँ माँ, चिराग सेवा करे। अरे सुन सुन, हाँ डाल 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 डाल, वो तो आएंगे ना भाई, केवल तो भीतर के ले रहे हो। चलो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई की वीडियो, सेवा कर दी है। अरे मारेंगे मारेंगे, कोई बात नहीं, आपस में लड़ेंगे गाइस। अब कुंडू साहब की बारी आ चुकी है, कुंडू साहब की लिखाएं भी बोलते हैं, तो कुंडू साहब गुन्ना करो मैं, खड़ा था हाँ जब ही तो अड़कड़ का, और कितने गिर दे और।
बाकी छक रही है उरे देख कितने लोगों ने गेर रखे सोनू एक बात है पार्किंग का पूरा वो बना दिया हाँ चल आ जाओ देख क्या होने आई गन उड़ा है जी आंटी ने खोल दिया ठीक है भाई करना चल रहा है एक जगह बना दी बेरे के यो बना कौन रखे सोनू जो बस लोगा ने टेक दिया ये देख जिस तरह ये गमले टिक रहे हैं ये देख दिख रहे हैं तुम्हें दिख रहे हैं भाई बात है पार्किंग था पार्किंग है यार कुछ हाँ फायदा उठाए लोग पार्किंग है बस यूं है कि अड़े इतनी खुली मार्केट होनी जिस तरह अपने सेक्टर 13 में है और जगह है ना वैसे मिल गई तो मिले सारी जगह तो देख कभी आ जियो एक तो यहाँ पे और एक डाबड़ा चौक को नहीं पार्किंग में अच्छा ये बात है सोनू को सारा पता भाई ये दान पुण्य ज्यादा करते हैं वैसे तो भगवान इतना कामयाब कर देंगे हम भी दान पुण्य करें करना चाहिए भाई करना चाहिए उल्टा मिलेगा जरूर मिलेगा पक्की बात है सोनू भगवान इतना कामयाब जरूर करते हैं वापस मिले चिराग शर्मा व्लॉग्स एक और नया सब्सक्राइबर जुड़ गया अपने साथ दो अरे थैंक यू भाई थैंक यू अब शेयर कर देना तुम चैन बनवा दो दो से चार चार से आठ ओके भाई बाय बाय गाइस भाई वो काम कराया हूँ मैं जो करके आना था सोनू के साथ जाके तो बस अभी चेंज करता हूँ और फिर अब बाहर चलेंगे इवनिंग वॉक पे जाएंगे देखते हैं क्या करेंगे और बाकी रास्ते में आते आते दो भाई मिल गए थे बुलेट पे वो बोले बिग फैन सर बिग फैन ऐसे मजाक कर रहे थे बाकी वो जानते तो नहीं थे पर अब जाने लग जाएंगे ठीक है तो अब चेंज करते हैं और फिर बाहर चलते हैं ठीक है तो गाइस भाई आज के श्लोक को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं आज 10 बज चुके हैं लगभग और अब इसको एडिट करके अपलोडिंग पे भी लगाऊंगा तो ठीक है भाई अभी नहा के आया था और बस अभी एडिट करना है और आज के ब्लॉग में आपने जो देख लिया वो है कि आज भाई सारा दिन ऐसे ही काम वगैरह में चला गया जो भी आपने देखा वही था ज़्यादा मुझे भी कुछ याद नहीं आज मैंने क्या किया तो ठीक है भाई आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना फिर मेरे एक और नए ब्लॉग में एक और नए दिन के साथ ओके बाय गुड नाइट लव यू बाय 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 बाय